अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। होपफुली आप सबकी पीपीएससी एग्जामिनेशन के सिलसिले में जो तैयारी चल रही है काफ़ी अच्छी जा रही होगी। जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी तरफ से आपकी हेल्पफुल वीडियोस बना के अपलोड कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा महदूद होता है तो इस सिलसिले में मैं उस तरह बहुत जल्दी से वीडियोज़ बना के अपलोड नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी सिलसिले में मैंने अपने लास्ट एक वीडियो जिसमें मैंने थर्मो डायनामिक्स को एक्सप्लेन किया है, उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट टर्म्स फार्मूलाज वगैरह जो थे वो डिस्कस किए थे। एक बुक के पेज मैंने स्क्रीनशॉट लेके उसकी वीडियो बनाई थी। तो कुछ जो हैं सब्सक्राइबर्स उन्होंने कमेंट किया कि सर हमें ये बुक आप PDF में प्रोवाइड कर दें। तो इस सिलसिले में मैं आपको पहले उस बुक के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं, फिर मैं आपको उस बुक का लिंक जो है वो दे दूंगा तो आप कैसे उसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक तो उस बुक के अंदर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 8 चैप्टर हैं जो प्रीव्यू में आपको मिल जाएंगे उसके, जिसमें आप देख सकते हैं 8 चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सॉलिड हो गया, गैसेज हो गए, थर्मोडायनामिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स होगी, ये सारे चैप्टर्स जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। उस बुक की ये बात है कि आपने अगर कोई टॉपिक, मैं पहले आपको कहूँगा आप बुक से अगर आप नहीं रीड कर पा रहे तो आप उस बुक को ओपन करें, जितनी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, फार्मूलाज हैं या उसके अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं उसको समराइज़ किया गया उस बुक के अंदर। तो आपने सिर्फ ये करना है उस बुक में जाके सारी पहले शुरू में, अच्छा वो एक MCQs बुक है बेसिकली, और उसने MCQs उस चैप्टर के लाइक थर्मोडायनामिक्स के MCQs करने से पहले उस बुक के अंदर उसकी सारे टर्म्स फार्मूलाज को समराइज कर दिया है। और उसके बाद MCQs के भी दो बैंक हैं, MCQs लेवल 1 पे उसने MCQs दिए हुए हैं और लेवल 2 पे भी। अब उसके आगे मेन बात ये है कि साथ की भी दी हुई है, की के नीचे ही आगे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि वो MCQs के पीछे हिंट क्या है, कैसे सॉल्व किया गया। तो चलिए मैं आपको वो तरीकाकार बताता हूँ। आपने बेसिकली क्या करना है, अपने एंड्रॉयड सेल फोन से या आपके पास अगर लैपटॉप है तो आपने गूगल के पे ऊपर जाना है, गूगल ब्राउज़र में, और लिखना है MCQs इन केमिस्ट्री या केमिस्ट्री MCQs। तो आप जब उसको ओपन करेंगे तो आपने बुक सेक्शन में चले जाना है। जब आप बुक सेक्शन में जाएंगे तो बुक सेक्शन में आपको ये बुक, आप नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो आपके पास ये MCQs इन केमिस्ट्री, आपने इस बुक को ओपन कर लेना है। जब आप इस बुक को ओपन करेंगे तो इस बुक के अंदर आप देख लें ये सारे जो आपके पास टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें जैसे मैं आपके सामने थर्मोडायनामिक्स ही ओपन करता हूँ, तो थर्मोडायनामिक्स को ओपन कर रहा हूँ, देखें ये थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आ गई हैं। अब इसको थोड़ा सा आप नीचे लेके जाएँ, देखें क्वेश्चन बैंक आ गया है, MCQs बैंक आ गया है आपके पास लेवल 1, और नीचे जाएंगे तो MCQs लेवल 2 आ जाएगा, और नीचे जाएंगे तो आपके पास उनकी आंसर कीज आ जाएंगी। तो इसी तरह मैंने भी अपने टाइम पे MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक परचेज नहीं की थी। मैं MCQs नेट से ही मैं टॉपिक तैयार करके उसके MCQs जो है वो नेट से उठा लेता था और उनको अपने रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करता था। वो MCQs सामने रखता था, ऑप्शन ए 1 का, ऑप्शन बी 2nd का, ऑप्शन सी, इस तरह सारे हल करके इस की को सामने रख के फिर चेक करता था, और जो है वो इस तरह मैंने अपनी तैयारी की थी। तो ये जो आपके पास बुक शेयर कर रहा हूँ ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ के अंदर बाकी इन टॉपिक्स को भी मैं डिस्कस करूँगा साथ ही साथ। तो इस बुक के अंदर से आप जो टॉपिक आप करना चाहते हैं, 8 या 9 की आपको होगी अप्रोच, वो 8-9 टॉपिक्स को आप पहले बेसिक यहाँ से तैयार करें, फिर बुक से तैयार करें। बुक से मस्ट है क्योंकि यहाँ हो सकता है कोई टर्म बेसिक रह गई हो, एक दफ़ा यहाँ से बेसिक टर्म सारे लिख लें कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर सारे टर्म्स लिख के फिर उस टॉपिक को बुक से रीड कर लें, देन इट विल बी हेल्पफुल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।